दीदी भाभी जी नहीं दिख रही, भाभी जी कहाँ हैं? दीदी आपको पता है आपकी जो भाभी है ना आपके भैया को बहुत मारती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है अपनी भाभी को? कौन भैया कौन भाभी? जी हम ऐसा है करिश्मा सिंह है, हम अभिनव की पत्नी रूपा जसूजा से मिलना चाहते हैं। हम ही है अभिनव जसूजा जी की धर्म पत्नी रूपा जसूजा। हमको लगा भाभी जब राट होंगी एकदम। एक्चुअली आपके हस्बैंड ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाई कि आप उन्हें बहुत मारती हैं। पुष्पा जी आप हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं कुछ काम से, 3 बजे तक आ जाएंगे। जी मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब। ये फोन वो उसका रह गया, अभी ना आज सुबह आया था ना वो अपनी पत्नी से मार खाने वाला, वो रिपोर्ट लिखवाने आया था ना, तो आज सुबह फोन भूल गया। बेचारा ढूंढ रहा होगा ना, क्या जिसकी अमानत उसी के पास पहुंच जाए तो अच्छा, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब हेडक्वार्टर जा रही है ना, तो बीच में ही वो जिम आता है, थाने में कोई नहीं है वरना हम ही चले जाते। ठीक है पुष्पा जी, हम दे देंगे, रास्ते में ही है ना। हाँ एड्रेस भेज दीजिए। जी पुष्पा जी देखिए एक मिनट, ये आप करिश्मा सिंह के टिफिन में से खा रही हैं? वो जब भी कभी खाना बनाती है ना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, और वैसे भी हमारा अधिकार भी तो है, सास है हम उनकी, तो थोड़ा सा। बट मैडम सर उनको मत बताना हा? वरना वो एक शर्त पे। अरे लीजिए लीजिए। वाकई बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। अच्छा बनाया ना, और चाहिए आपको? हम ठीक है, हम क्या कह रहे थे? पुष्पा जी हम आपसे ये कह रहे थे कि प्लीज इस केस को थोड़ा सा ना सेंसिटिवली हैंडल कीजिए। ये क्या होता है अपनी पत्नी से पिटने वाला आदमी, इस तरह से मजाक मत बनाइए, सोचिए उस पर बेचारे पर क्या बीत रही होगी। अगर सच में उसके साथ ये हो रहा है, इसका मतलब एक हट्टा कट्टा जवान इंसान अपनी बीवी से मार खा रहा है, और वो किसी को ये बात बता भी नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। तो सोचिए ये सब अगर आपके लल्ला के साथ हुआ होता तो। अब आपको बात समझ में आ गई तो प्लीज जरा सेंसिटिवली हैंडल कीजिए और इस तरह से मजाक मत कीजिए, और जल्दी खाइए, करिश्मा सिंह आने वाली है। जी। अच्छा अभिनव जी ने मेरे खिलाफ आपके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है? जी जी जी। आप हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था, इतनी मामूली सी बात को लेके बताइए। एक मिनट आप पहले शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठिए आराम से बताइए। भाभी जी बैठिए, बताइए। हर घर में झगड़ा होता है मैडम जी, हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, बताइए ये बात कोर्ट तक पहुंचाने वाली बात है? नहीं नहीं मैडम, अभी तक सिर्फ थाने तक ही पहुंची। अरे जाएगी तो कोर्ट में ही ना बात है मैडम जी, तमाशा बना के रख दिया हमारे घर के झगड़े को। हम अभिनव जी को मारते, पता है आपको? नहीं। हम आपको बताते, वो हमसे छुटकारा लेना चाहते हैं। छुटकारा काहे चाहते हैं आपसे? क्योंकि वो हमसे तलाक लेना चाहते और दूसरी शादी करना चाहते, इसीलिए परपंच रच रहे हैं, हम सब समझते हैं। वाह अभिनव जी वाह, हम अभिनव जी को मारते हैं। वाह अभिनव जी वाह। मैडम जी सच्चाई हम आपको बताते, पता है क्या है सच्चाई? नहीं। एक्चुअली में हम अपने पति को नहीं मारते, हमारे पति हमको मारते। ये देखिए। कहाँ कहाँ? अरे ये देखिए ना, ये नहीं दिख रहा भाभी, इधर कौन मारता है ऐसे ऐसे? हम आपको बताते हैं ना, अभिनव जी मारते हैं यहाँ पर, आज सुबह ही सुबह डंडे से मार के गए हमको।
जी सर। हाँ सर, बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। जय हिंद सर। एक मिनट, आप अच्छे से समझाइए। अगर आपको आपके हस्बैंड इतना मारते हैं, आप पे घरेलू हिंसा करते हैं, तो आप आज तक थाने में काहे नहीं आई उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने? अगर हम थाने जाते ना तो हमको और मारते, हमारी हड्डी पसीना पिसरा देते। हाँ क्या? पिसरा देते, देते। ऐसे, ऐसे, ऐसे हो जाता है, उसको पिसराना कहते हैं। मैडम जी, वो थाने में कुछ भी बकवास किए जा रहे और आप लोग मान रहे हैं। बताइए, किसी भी एंगल से आपको लगता है कि हम अभिनव जी को मारते होंगे? अरे वो जिम ट्रेनर है, सुबह शाम 100-100 डंड पेलते हैं, हम उनको पेलेंगे? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे हम पे विश्वास तो कीजिए। नहीं नहीं, हम आपका बात समझ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप फटाक से जाके ना कागज पेन लेकर आइए कि आपका जो बयान है ना वो लिखित में हमको चाहिए होगा आगे का कार्रवाई करने के लिए। जरूरी है क्या मैडम? बहुत जरूरी है, कार्रवाई करना है ना आगे। पर हम अभिनव जी को मारते नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम लेकर आते। बैठिए ना आप लोग। जी जी। नहीं नहीं, थैंक यू भाभी। जी, आपने जो जो अभी हमें बताया है ना वो आप इसमें लिख दीजिए और नीचे अपना साइन कर दीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, समझ रही हैं बात को? मैडम सर, हम अभिनव का वाइफ रूपा से मिले, उसका कहना ये है कि गलत अभिनव के साथ नहीं हो रहा है, गलत खुद रूपा के साथ हो रहा है। दरअसल उसके हिसाब से उसके पति का बाहर चक्कर चल रहा है। सीरियसली सो बैड मैडम सर, सॉरी। और वो शादी करना चाहता है, दूसरा शादी। मैडम सर, इसलिए वो इल्जाम लगा रहा है अपनी पत्नी पर मारपीट के, ताकि इस आधार पर पत्नी जो है अपने पति को तलाक दे दे। आपको क्या लगता है? मैडम सर, मुझे ऐसा लगता है कि नन्ना। श्योर मैडम, आपको क्या लगता है? मैडम सर, पूरे मामला का अच्छे से अवलोकन करने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि जो दोषी है वो पति नहीं है, पति का पत्नी रूपा है। रूपा ने हमको बहुत घुमाने का कोशिश किया मैडम सर, लेकिन हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि रूपा ने जितना भी इल्जाम लगाया ना अपने पति पर, वो सब बेबुनियाद है। आई श्योर करिश्मा सिंह की यही हुआ है? क्योंकि हमने अभिनव को मार्केट में देखा किसी और औरत के गले लगते हुए। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत बात है, पर ये दोनों चीजें सुनने के बाद किसी भी कंक्लूजन पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि शायद रूपा सही है। पर मैडम सर, हर आंखों देखा बात सच तो नहीं होता है ना, कभी कभी गलत भी निकल जाता है। हमें लगता है कि रूपा ही दोषी है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैडम, आपको किस बिना पे ऐसा लगता है? सॉरी मैडम सर, रूपा ने हमें अपने दाएं हाथ पर जो है चोट दिखाई, ये कहकर कि वो चोट जो है उनके पति ने उनको दिया किसी डंडा से, कोई पतला मजबूत डंडा से उनको मारा और उनको उस पे चोट आई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट लिख रही थी तब हमने नोटिस किया कि वो तो लेफ्टी है, बाएं हाथ से अपने सारे काम करती है। फिर हमारा नजर पड़ा उस डंडे पर, उस डंडे का एक तरफ से कलर थोड़ा छूटा हुआ था, तो सेम कलर हमने उसके बाएं हाथ पे देखा। पसंद तो मुझे भी नहीं आई मैडम सर, हम इतनी देर वहां पे रुके हुए थे, किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मूली के पराठों की, ये नहीं कि एक बार पूछ ले, अगर पूछ लेती तो हम ना थोड़ी ना बोलते। महिला पुलिस थाना में हम, हमको पता है महिला पुलिस थाना में हम। करिश्मा सिंह, ये सिर्फ इतने से फैक्ट्स जो है किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कन्विक्शन से काम कीजिए, फैक्ट्स इकट्ठा कीजिए, एविडेंस बनाइए, केस बनाइए रूपा के अगेंस्ट और उसे अरेस्ट कीजिए।
खाना खाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको बोलिए, हम बाहर फेंक देंगे, बाल बदनाम खा लेगा सब। ना सबको ना, हमको हमारे टिफिन का आज वजन जो है ना बहुत हल्का लग रहा है। हाय पुष्पा जी, ऐसा क्या लग रहा है आज हमको? क्या आप ऐसे क्यों देख रही हैं हमारी तरफ? हमने कभी भी हमारे टिफिन के अलावा आपके टिफिन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ देखिए ना, अभी भी हमारे पास वक्त ही नहीं है आपके टिफिन की तरफ देखने का। हमारे शिव जी साक्षी है। मंदिर का दिया बुझ गया। हाँ हाँ बुझा बुझा मैडम बुझा। भक्त जीते, हे शिव जी। बाप रे, हे भोलेनाथ, हे डमरू वाले, आप देख रहे हैं हमारी लाडली बहू हम पर इतना ऊंचा इल्जाम लगा रही है कि हम उनके टिफिन से खाना चुराते हैं। ये सुनने से पहले आपने हमारी सुनने की शक्ति हमसे छीन क्यों नहीं ली? पुष्पा जी इतना शिद्दत से रिक्वेस्ट मत कीजिए, छीन लेंगे। ऐसा होता है मैडम, होता है ऐसा। वो शिव जी हमारी लाडली बहू हम पर इल्जाम लगा रही कि हम उनके टिफिन से खाना चुराते हैं। ना गलत है, एकदम गलत है। है ना चीते? हाँ, अगर चुड़ैल और डायन बोलने का इल्जाम लगाती तो खाना चुरा रही है। गजब कर रही है पुष्पा जी। मैडम बताइए ना, बताइए। अरे एक मिनट पुष्पा जी, गजब। अरे तो पाप है मलाइका, अपने घर का चली गई, आप करिश्मा मैडम जैसी देवता का खाना चुरा कर खाने लगी। अरे बाप रे बाप। ना पुष्पा जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। मैडम आप ना हमारे टिफिन से खा लीजिए, आज का रोटी है और परसों का ही सब्जी है, फ्रिज में रखे थे, निकालें। ये क्या कर रही है? अरे ये आप FIR रजिस्टर में क्या लिख रही हैं? FIR रजिस्टर में FIR दर्ज कर रहे हैं आपके खिलाफ। आपने हमारे टिफिन से नूडल्स चुराए हैं और खाए हैं मजे से, और झूठ भी बोला है। ये बात डिपार्टमेंट तक जाएगा, देखना। अरे अरे इतने छोटी सी बात का कोई FIR लिखता है क्या भला? नहीं तो फिर आप कबूल कीजिए कि आपने हमारे टिफिन से नूडल चुरा के खाया है। अरे इतने बस इतने से तो चुरा के खाए जितने करछी में लग के आते हैं। पुष्पा जी तो कड़ाही जितना लग रहा। नहीं नहीं इतने इतने, मतलब ऐसा करछी में लग के ऐसे आए तो ऐसे खाए हम। नहीं मतलब ऐसे कौन कबूल कर। आप ही बताइए पुष्पा जी, आप ही बताइए कि आपके साथ क्या करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए आपको? दंड तो हम देंगे, फांसी छोड़ के कुछ दे दीजिए मैडम। हल्का फुल्का। महिला मोर्चा जिंदाबाद। शांति, क्या हुआ, कौन है आप लोग? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब चल क्या रहा है? SHO हसीना मलिक महिलाओं का थाना खोल के महिलाओं से भेदभाव कर रही हो? देखिए आप प्लीज शांति से बताइए हुआ क्या। अकेला मत समझिए इन्हें, हम सब इनके साथ हैं। हम इनके साथ हैं। महिला एकता, महिला मोर्चा संगठन, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी इस थाने की, थाना बंद करवा देंगे आपका। आवाज नीचे रखिए और तमीज से बात करिए। रिपोर्ट लिखवाइए इनकी और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाइए इनके पति के खिलाफ। क्यों बहनों? हाँ, जेल में डालिए इनके पति को। अंदर करो। तुम्हारी देखिए शांत हो जाइए, शांति से बैठ कर बात करते हैं, ठीक है? बात क्या करना है? गिरफ्तार कीजिए इनके पति को। किस बिना पर करें गिरफ्तार, जब खुद इनके पति इनके खिलाफ आकर रिपोर्ट लिखवा कर गए कि ये इनके साथ मारपीट करती है, तो फिर किस सबूत के बेसिस पर हम करें गिरफ्तार? अच्छा तो आपको सबूत चाहिए, दिखा दो मैडम को सबूत। दिखा। ये देखिए, क्या देखें? अरे ये देखिए, यहाँ चोट लगी है, और ये देखिए, ये एक मिनट। नहीं नहीं मैडम सर, ये निशान कहाँ से आ गया हमें नहीं पता, हमने बहुत अच्छे से तफ्तीश किया था मैडम सर। अच्छा तो आपको ये लग रहा है कि हमारे पीठ पे जो चोट के निशान है हमने खुद दिए? आप ही बताइए, कोई भी इंसान अपनी पीठ खुद खुजला सकता है? हाँ तो ये चोट के निशान हम खुद कैसे दे लेंगे बताइए। करिश्मा सिंह, तफ्तीश के दौरान आपने इनकी पीठ पर ये कोहनी पर निशान चेक किए थे? जी कोहनी पर निशान थे मैडम सर, पर पीठ पे थे नहीं कि देखे नहीं? देखा नहीं मैडम सर। वाह
सुन लिया आपके अफसर की तफ्तीश, आधी अधूरी छानबीन करके पल्ला झाड़ दिया। तफ्तीश नहीं की है इन्होंने, इन्होंने तरफदारी की है मेरे पति की। पता है क्यों? क्योंकि इनके पति मेरे पति के दोस्त हैं। बताइए किस सच है या झूठ, बताइए ना। देखिए आप कृष्णा सिंह, क्या आप दोनों के पति दोस्त हैं? जी हाँ मैडम सर, दोस्त हैं। पर पुष्पा जी। जी मैडम सर। अभिनव के खिलाफ केस बनाइए घरेलू हिंसा का, एविडेंस कलेक्ट कीजिए जिसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। जी देखिए। और आप आप सर, मैडम सर ये जो निशान है ना, हम बता रहे हैं आपको ये निशान। अरे ये उसी राक्षस ने किया है। अरे हम कैसे यकीन दिलाएं आप लोगों को, बताइए कैसे यकीन दिलाएं। शांत शांत हो जाइए, रोने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारी बातें सुन ली है, हम कुछ करेंगे ठीक है। आप लोग प्लीज घर जाइए अपने अपने। थैंक यू मैडम, पर पक्का इंसाफ मिलेगा ना, क्योंकि हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ भूलिएगा नहीं, ये चोट के निशान उसको जेल में डालिएगा आप। अब घर जाएंगे पक्का ना? अरे अब जाइए। ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ ना मैडम सर, ये इसकी पत्नी ने किया है, अब समझिए हमारी बात को। और जब हमें पता है कि वो निर्दोष है, उसको इंसाफ दिलाने की जगह हम सजा कैसे देते जाके मैडम सर? करिश्मा सिंह, हम सिर्फ कानून के नुमाइंदे हैं, कानून नहीं। सजा देना हमारा काम नहीं है, और आपके कहने पर, आपके कन्विक्शन पर हमने आपको कार्यवाही अपने तरीके से करने दी। क्या नतीजा निकला? पीठ पर बने हुए निशान जो आपने देखे तक नहीं। मैडम सर वो औरत, इंसाफ मिलेगा करिश्मा सिंह, जिसके साथ भी गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलेगा। बहुत बढ़िया, आपको उसकी औरत के चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं, पर जो पति को चोट आई है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अगर पीठ तक हाथ नहीं जा सकता है, खुद को नहीं मार सकती, तो फिर पीठ तक कोई अपना पीठ जलाएगा भी नहीं ना प्रेस लगा के। करिश्मा सिंह ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते ये सब हो गया हो। हम बिना सच जाने किसी की साइड कैसे ले सकते हैं? हमने उस आदमी को किसी पराई औरत के गले मिलते हुए देखा था मार्केट एरिया में, क्या इतना काफी नहीं है इस बेचारे की बात पर यकीन करने के लिए? ठीक है मैडम सर, आपको लगता है कि औरत ठीक है, हमको लगता है पति ठीक है, और हम ये प्रूफ करके रहेंगे कि हर वक्त मर्द का गलती नहीं होता है, कभी कभी औरत भी अपने औरत होने का फायदा उठा लेती है। और हम ये भी प्रूफ करके रहेंगे कि इंसान के अंदर का जो जानवर होता है ना मैडम सर, वो औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करता है। जय हिंद मैडम सर। अब आप दोनों ही जाइए और अरेस्ट कीजिए अभिनव को। जी मैडम सर। जी मैडम सर, रास्ते में से संतू जी को भी ले लेंगे। हाँ। पुष्पा जी वैसे ही जो उम्र है ना, ये पीछे बैठने का है, हमको पीछे ठेल दिए हैं आप। हमको आगे बैठना ही अच्छा लगता है। संतू जी। संतू। संतू जी। हाँ हाँ। अभी हम चले गए होते पता नहीं कहाँ। वैसे संतू जी पता है आपको, आपको ऐसी गाड़ी चलाते हुए देखा ना, हमको हमारे बचपन के दोस्त का याद आ गया, वो ठीक ऐसे ही ट्रैक्टर चलाता था पीकर। हाँ? जी वैसे पुष्पा जी एक बात मुझे समझ में नहीं आई और बहुत अजीब लग रही है कि करिश्मा मैडम के साथ तो चीता और मैं भी गए थे, लेकिन तब वो रूपा की गर्दन में और पीठ में तो ऐसा कोई निशान था ही नहीं। हाँ, और मतलब उस समय वो कोई निशान दिखाई भी नहीं थी, सिर्फ वो राइट हैंड में नीचे यहाँ पर जो निशान लगा था ना, वही दिखा रही थी कि यहीं पे लगा हुआ है चोट। हाँ, पर ये तो गलत है ना, फिर तो करिश्मा मैडम जो बोल रही है वो सही बोल रही है, रूपा जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। अरे क्या खाक सही कह रही है, ऐसी होती है तफ्तीश, पूरी छानबीन अच्छे से करनी चाहिए थी कि नहीं, सारी ट्रेनिंग भूल गई है। अरे उसका शरीर पूरा देखना चाहिए था ना कि कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं है, उसकी फोटो खींचनी चाहिए थी ताकि वो अपने बयान से बाद में मुकर न जाए, उसके लिए संयम चाहिए होता है। यही तो एक चीज है जो करिश्मा जी के पास बिल्कुल नहीं है, संयम। हमारे लड़का के तो भाग ही फूट गए हैं, पूरे विश्व में, पूरे 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 विश्व में उसको सिर्फ यही लड़की मिली शादी करने के लिए, हमारे नालायक लल्ला को। गलत है पुष्पा जी ये तो। हाँ सही कह रही हो तुम संतू, बहुत गलत है, मगर अब क्या ही करे, चिड़िया चुग गई खेत, बहू बन गई वो हमारी, अब बहू को घर से बाहर भी तो नहीं निकाल सकते ना। संतू जी इससे थोड़ा सा तेज ब्रेक मार देती ना आप, हम शीशा फाड़ के बाहर निकल जाते। क्या कर रही हैं आप? सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और पुष्पा जी मैं अभिनव और रूपा के केस के बारे में बात कर रही हूँ कि अभी अब अभिनव को अरेस्ट करना गलत है। अब जीते तुमको क्या लगता है? हम संतू जी से अलग थोड़ी हैं। नहीं मतलब संतू जी जो बोल रही है ठीक बोल रही है पुष्पा जी। तुम दोनों क्या बकैती किए जा रहे हो? तुम दोनों को पता है ना कि मैडम सर कभी भी कोई भी बात गलत नहीं करती,
और वैसे भी हमारा काम है सीनियर्स के ऑर्डर्स को मानना और हम वही करने जा रहे हैं। अरे चिता गाड़ी रुको रुको संतू जी संतू जी संतू जी अब हमको पीछे छोड़कर चले आए संतू जी तू उतर क्यों गया हम उतर गए सर हाँ तो ठीक से बैठना चाहिए था ना संतू जी हमारा ही गलती था हम ही शायद दरवाजा खोल कर बैठे हुए थे सॉरी संतू जी हाँ तो तेरी ही गलती है ओहो हो गया तुम दोनों का हो गई बकेती हाँ हटो हमें गाड़ी चलाने दो हमको तो लगता है ना कि तुम दोनों को वो अभिनव को पकड़ने का खासा मन नहीं है पुष्पा जी सबको पता है थाने में कि मैं सबसे अच्छी गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे चलाने दो ना देख लिया अभी हटो हमें चलाने दो नहीं ना पुष्पा जी मैं चलाऊंगी ना अरे क्या तुम ऐसे मानोगी चीजें तू पुष्पा जी चाबी हमें गाड़ी चलानी नहीं पुष्पा जी हम गाड़ी चलाएंगे चाबी देख लिया तुमने कैसे हम गाड़ी चलाएंगे ठीक है चलाइए आइए हटो लगता है जादू हो गया चाबी नहीं गिर गई मैडम कहाँ हैं आप अभिनव जी क्या बात है क्या दिक्कत हो गया अरेस्ट कर लीजिए मुझे यही चाहती थी ना मैं खुद आ गया हूँ मुझे अरेस्ट कर लीजिए मैडम मुझे पता था कुछ नहीं होगा क्योंकि यह मर्दों का मामला है ना मर्दों की आवाज कौन सुनता है सब तो औरतों की आवाज सुनते हैं ना मैडम सारे नियम कानून सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए बने हैं हम मर्दों की आवाज कौन सुनेगा क्योंकि हम लोग तो इंसान है ही नहीं हमारी गिनती तो इंसानों में होती नहीं है हमारे अच्छे बुरे से किसी को क्या फर्क पड़ता है मैडम प्लीज अरेस्ट मी नहीं नहीं आप गलत जगह घंटा बजा रहे हैं जो बादशाह है वो आराम से अंदर बैठे हैं मैडम सर का बात कर रहे हैं क्या है ना कि हमारे समाज का ये मानना ही है कि जो गलती होता है ना वो हर वक्त मर्द का गलती होता है औरत का गलती कभी नहीं होता है और इस मामले में मैडम सर का मानना भी यही है कि आपकी औरत का गलती नहीं है गलती आपका है जा जाओ मैडम